गौर से देखिए इस चेहरे को, ये जितना बुजुर्ग है उतना बड़ा नशे का कारोबारी है। आज दोपहर उम्मत फाउंडेशन के अध्यक्ष तबरेज अंसारी और सचिव सलीम मिर्जा को खबर मिली कि ये नशे का कारोबारी बड़ी मात्रा में गांजा लिए हुए नागपाड़ा में उसे बेचने के लिए आया है। उसे धर दबोच कर दोनों ने नागपाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई के नागपाड़ा पुलिस ने जमील को 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों, आज से 15 या 16 दिन पहले मदनपुरा चक्की वाली गली में जमील नामी शख्स को हमने रंगे हाथ गांजा बेचते हुए गांजे के साथ उसे पकड़ा था, लेकिन वो अपनी तकलीफ बताने लगा। उसकी तकलीफ को सुनकर हमने उसे समझा कर छोड़ दिया कि वो ये नशा बेचने का, गांजा बेचने का काम इस इलाके में ना करे, नस्लों को तबाह और बर्बाद ना करे। उस पर हमने तरस खाकर रहम खाकर उसे छोड़ दिया समझा कर। लेकिन आज 15 दिन 16 दिन के बाद उसके हाथ में कम से कम 1 किलो के आसपास गांजा भरी हुई थैली थी, जो क्लियर रोड पे स्टूडेंट लोग को रंगे हाथ बेचते हुए वो पकड़ा गया। उसे हमने इस बार पकड़कर नागपाड़ा चौकी में जमा कराया और उसके ऊपर केस बनाया। उसके ऊपर धारा लगी है CRW 20 NDPS Act 985 की धारा उस पर लगाई गई है। नशा बेचने का जो काम लोग कर रहे हैं, ये दरअसल मौत बेचने का सामान जो है वो मौत को बेच रहे हैं। मौत बेचने का सामान, मौत को, मौत का सामान बेच रहे हैं। नस्लों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। लोगों के जिस घर में एक नशा करने वाला आदमी है, बच्चा है, उस घर के तमाम लोग, खानदान परेशान है। उसके रिश्ते नहीं होते घर पे, उसके दूसरे बहनों के रिश्ते नहीं होते। ये नशा जो है नस्लों को भूखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो आज जरूरत है इसे जड़ से खत्म करने की, और हमने ये बेड़ा उठाया है। नागपाड़ा सीनियर शालिनी मैडम के साथ मिलकर हमने इसका बेड़ा उठाया है और इसे हम खत्म करके रहेंगे। जय हिंद।